डाकिनी का सच सबके सामने नहीं लाने देंगे। वैसे सुनैना ने उस चंद्रलेखा को मारकर हम पे एहसान ही किया है। सब लोग अचानक कहाँ गायब हो गए? वो लोग तो खुशी खुशी गवाही देना चाह रहे थे, कुछ तो गलत है। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। क्या आप हमें अपनी बहन का नाम बता सकती? चंद्रलेखा। हम पर भरोसा करना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन हमारा यकीन मानिए, उस डाकिनी ने हमें बहुत सताया है। सताया तो उसने बहुतों को है मासी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अधराज को उसकी सच्चाई पता चले। और रही बात गवाह और सबूत की, वो कल सुबह सबके सामने होंगे। काश तुम्हारी बात सच हो। बस सुबह होने का इंतजार है, फिर तुम्हें सारा सच पता चल जाएगा और उसके बाद ये दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। हमने सुना है आप लोग डाकिनी के विरुद्ध गवाही देने जा रहे हैं। राजा साहब और पूरी प्रजा को उस दुष्ट डाकिनी का सच पता चलना ही चाहिए। बिल्कुल सही। तुम लोगों को उसने कीड़े मकोड़े बनाकर रखा था, ऐसे में क्रोध तो आएगा ही, क्रोध तो हमें भी आता है, पर विवशता भी होती है, इसलिए हम उस सुनैना को डाकिनी का सच सबके सामने नहीं लाने देंगे। क्यों? क्योंकि कहीं उस अधिराज को हम पर संदेह ना हो जाए कि कहीं डाकिनी की बहन भी डाकिनी तो नहीं। अधिराज, आप पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं राज्य और प्रजा की। अगर आप ऐसे भूखे प्यासे रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, फिर ये सारी जिम्मेदारियां कैसे निभाएंगे? अधिराज, भोजन कर लीजिए। भूख नहीं है मुझे मैम। मेरे लिए खा लीजिए। ठीक है, अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी भूखी रहूंगी। हमने अभी तक भोजन नहीं किया। आप भूखे रहे और मैं भोजन कर लूं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तुम्हें भोजन करने ना चाहिए था। सुनो, आप रुकिए, मैं भोजन लेकर आती हूँ। तुम खा लो सुन, हमें भूख नहीं। आपके बाद।
क्षमा करना आदिराज, मैंने अब तक तुमसे सच्चाई छुपा कर रखी, पर देख लेना कल की सुबह नई रोशनी लेकर आएगी। उस सुनैना को रोकने का एक ही तरीका है। कौन हो तुम? तुम कहना क्या चाहती हो? मारना चाहती हूँ तुम सबको। वैसे सुनैना ने उस चंद्रलेखा को मारकर हम पे एहसान ही किया है। अपने आप को हमसे ज्यादा शक्तिशाली मानने लगी थी वो, हमें अपने इशारों पर नचाने लगी थी। अब हम नचाएंगे सबको अपने इशारों पर और अपने लक्ष्य तक भी पहुंचेंगे। लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें उस अधिराज को मारना होगा। हमने रात भर ढूंढा लेकिन मासी का कुछ पता नहीं चला। हम स्वयं जाएंगे उन्हें ढूंढने। राजा साहब, रानी साहब को ढूंढने जाने से पहले आप उन लोगों की बात सुन लीजिए जो लोग आपको डाकिनी का सच बताना चाहते हैं। सुना ना, अभी हमारे लिए डाकिनी का सच जानने से अधिक महत्वपूर्ण हमारी माँ को ढूंढना है। मैं आपसे विनती करती हूँ, एक बार उन लोगों की बात सुन लीजिए। अरे सब लोग कहाँ चले गए? किसी ने मार दिया या फिर डर के मारे भाग गए? आखिर ऐसी क्या बात है सुनैना? बस दो क्षण रुक जाइए, आपको सब सच पता चल जाएगा। रानी साहब, वहां तो कोई भी नहीं है। क्या? गुंगादास? बात क्या है सुनैना, बोलो सुनैना। हमें तो लगता है वो लोग ढोंगी होंगे। सुनैना के भोलेपन का लाभ उठाकर डाकिनी की झूठी कहानी कर दी होगी। उपहार का लालच हो गया होगा उन्हें, फिर समझ गए होंगे कि पकड़े जाएंगे इसलिए भाग गए, है ना सुनैना? राजा साहब सच तो? जी शायद ढोंगी लोग रहे होंगे। क्षमा कीजिएगा राजा साहब, मैंने आपका समय नष्ट किया। कोई बात नहीं, हम चाहते हैं कि तुम ऐसे लोगों से सावधान रहो और डाकिनी के विषय में सोचकर परेशान होना बंद कर दो, क्योंकि तुम हमारी प्यारी सुनैना हो, हमारी जीवन संगनी हो। आपने मुझे झूठ बोलने क्यों कहा? तो क्या करती, बिना गवाह बिना सबूत के तुम अधिराज से ये सब कहती और वो मान लेता? नहीं ना, तुम मानो या ना मानो पर हम तो तुम्हारा भला ही चाहते हैं। चंद्रलेखा नहीं है हम, जो सिर्फ तुम्हारा बुरा चाहती थी। पता नहीं क्यों मैं इन पर भरोसा नहीं कर पा रही हूँ।
महल आने के पीछे कहीं इनका भी कोई मकसद तो नहीं? अधिराज, महल चलते हैं, शायद वहां कोई। राजा साहब की जय! राजा साहब की जय! राजा साहब की जय! पूरे राज्य में ढूंढ लिया पर मासी का कुछ पता नहीं चला। हम अंबे माँ से प्रार्थना करते हैं कि रानी साहब जल्द मिल जाए। पर आप सब जाकर हैं। राजा साहब, हम लोग आपके पास ही आ रहे थे। कल गांव में महाशिवरात्रि का महोत्सव है, इसलिए हम आपको और रानी साहब को आमंत्रित करने आए थे। राजा साहब, हम जानते हैं कि महारानी साहिब अभी तक नहीं मिली, पर क्या पता भोलेनाथ की कृपा से उनका कोई संकेत मिल जाए। इसलिए राजा साहब, आप सुनैना बिटिया के साथ इस महोत्सव में आए, हम सबको बहुत खुशी होगी। और खुशी तो इस बात की है कि वर्षों बाद इस राज्य के राजा साहिब इस महोत्सव का हिस्सा बनेंगे। सब लोग अचानक कहाँ गायब हो गए? वो लोग तो खुशी खुशी गवाही देना चाह रहे थे। कुछ तो गलत है, कहीं इसके पीछे कनक और स्वराज का हाथ तो नहीं? अब मैं सबूत कहाँ से लाऊं? मासी ने भी कहा था अधिराज गवाही के बिना सच्चाई नहीं मानेंगे। आखिर हमने सुनैना को असफल कर ही दिया, चली थी चंद्रलेखा की सच्चाई सबको बताने। हाँ, ये बात अलग है कि वो चुप बैठने वाली नहीं है, पर जब तक वो सबूत ढूंढेगी तब तक मैं अधिराज को खत्म कर चुकी हूँ। काल भुजंग, अपनी सीमा में रहना सीखो, समझे? काल भुजंग, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जानते हैं भूखे हो तो बस कुछ दिन का और इंतजार, फिर तुम्हें तुम्हारा भोजन मिल जाएगा। मिटा लेना अपनी सारी भूख। जानती हो सुने ना, अब बहुत जल्द हमारी माँ हमारे साथ होंगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। रानी साहब के बारे में कोई सूचना मिली? अभी नहीं, किंतु बहुत जल्दी मिल जाएगी। पता है सुनैना, एक बार पहले भी हमारे साथ ऐसा हुआ था। हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी, तब एक बूढ़ी काकी ने हमसे कहा था कि अगर आप ईश्वर के दरबार में सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो जो मांगो मिल जाता है। तब हमने अम्बे माँ से सच्चे मन से प्रार्थना की थी, और पता है फिर क्या हुआ? क्या? हमारी माँ हमें मिल गई। कल गांव के महाशिवरात्रि महोत्सव में हम दोनों एक साथ जाएंगे और हम दोनों सच्चे मन से माँ के लिए प्रार्थना करेंगे। हमें पूरा विश्वास है हमें हमारी माँ मिल जाएगी। हाँ अधिराज, भोलेनाथ सबसे बड़े दानी है। अगर अम्बे माँ और भोलेनाथ ने चाहा तो उनकी कृपा से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तुम जानते नहीं हो सुने, हमारी माँ हमारे लिए सब कुछ है, हमारा संसार वो अवश्य मिल जाएगी।
शांत हो जाओ काल भुजंग, ये हमारा बेटा है। और इस राज्य का होने वाला राजा वहां। आप ये क्या कह रही हैं? यहाँ के राजा तो अधिराज है ना, और अधिराज हमें अपने भाई की तरह प्रेम करते हैं। सिर्फ प्यार और अपनेपन से सपने नहीं पूरे होते, युक्ति बनानी पड़ती है, बुद्धि लगानी पड़ती है। और वैसे भी तुम तो जानते हो कि अधिराज से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। जिससे रिश्ता है उसने सिर्फ तुम्हारा उपयोग किया है। लेकिन अब तुम्हारी माँ आ गई, और तुम्हारी माँ तुम्हें इस राज्य का राजा बना कर रहेगी। पर जो भी हो वो हमारी माँ से थी, और माँ हम कैसे भूल जाए कि वो अभी तक नहीं मिली है। और इन सब के पीछे हमें उस खुराफा सुनैना का हाथ लगता है। तुम्हारी मासी के साथ ये होना ही था, क्योंकि उसने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए सबसे बड़ी मुसीबत अधिराज को जीवित रखना चाहा। लेकिन हम उसकी तरह मूर्ख नहीं है। मैं टहनियां नहीं, सीधे जड़ को काटूंगी, अधिराज को खत्म कर दूंगी। कल महाशिवरात्रि की पूजा के बाद भी तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं होंगी अधिराज, पर मैं जल्द ही कोई सबूत ढूंढकर तुम्हें डाकिनी का सारा सच बताऊंगी। ये नीद्र शक्ति है, इसे सारे महल में छिड़क दो, ताकि इसके प्रभाव से अधिराज, सुनैना और सारे लोग बेहोश हो जाए। पर माँ आप सबको बेहोश क्यों करना चाहती हैं? जरूरी है, क्योंकि हम अपनी सिद्धि और शक्ति पाने के लिए निश्चिंत होकर डाक गुरु की साधना करना चाहते हैं। पधारिए डाकुरु, आकर अपनी भेंट स्वीकार कीजिए, और बदले में हमें अपार शक्ति प्रदान कीजिए। पधारिए डाकुरु, पधारिए। प्रसन्न हो डाकुरु, अपने सेविका की पुकार सुनिए। हो डाकुरु, ये भेंट स्वीकार कीजिए। हर जगह ढूंढ लिया, पर उन गवाहों का कुछ भी पता नहीं चला। अब मैं क्या करूं? अधिराज के सामने सच कैसे लाऊं? अचानक इतनी गर्म हवा कहां से आने लगी?
इन्हें क्या हो गया? उठिए, उठिए। आपको क्या हुआ? उठिए, उठिए ना। लगता है किसी काली शक्ति का प्रकोप है। और कौन कर सकता है ये सब? गवाहों का गायब होना, फिर इनकी बेहोशी, ये केवल संजोग नहीं हो सकता। जो भी हो, मुझे पता लगाना ही होगा। जय डाकुर, हम धन्य हुए जो आपने हमारी भेंट स्वीकार की। हे अंबे मां, यहां भी सब बेहोश पड़े हैं। ये सब हो क्या रहा है? आज महाशिवरात्रि की पूजा के लिए सुनैना और अधिराज गांव जाएंगे, तब हम काल भुजंग को भेजेंगे अधिराज की हत्या करने के लिए। और अधिराज के मरते ही हम सर्वशक्तिशाली डाकिनी बन जाएंगे। आज महाशिवरात्रि की पूजा है और मंत्रलेखा मासी की सच्चाई जानने के लिए आज से अच्छा दिन हो ही नहीं सकता। मैं उन्हें किसी भी तरह पूजा में ले जाऊंगी। अगर वो डाकिनी है तो ना वो मंदिर में प्रवेश कर पाएगी और ना ही पूजा में बैठ पाएंगी।